गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए बुधवार को 9 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि बुधवार को गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक, सपा से अवधेश यादव, कांग्रेस से नागेंद्र दत्त त्रिपाठी, डॉक्टर अम्बेडकर माध्यमिक शिक्षक सेवा समिति से रमेश कुमार विमल, माध्यमिक वित्तविहीन महासभा एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट से अजय सिंह, देवरिया से लाल बहादुर यादव, अनिल कुमार गौतम एवं देशबंधु शुक्ला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि बुधवार को 9 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर तक पर्चों की वापसी की होगी और 1 दिसंबर को मतदान तथा 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इस मौके पर नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे शिक्षकों के हित में कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों एवं अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, अंदर नामांकन हो रहा है। महमूद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा पर्चा अंदर चला जाए, प्रोसेस में हो जाए, फिर जब नंबर आ जाएगा तो हमें बुला लीजिएगा। वही समय का अगर लेकर वो तो होगा ही, जब आके प्रोसेस नहीं है, गेट के अंदर जो प्रोसेस नहीं है। अच्छा, तीन बजे से बाहर होगा, लाइन में लग गया और लोगों को कह दीजिए अभी जब उसे बाहर देना। मैंने भी बाहर नहीं है, आप गेट के अंदर है, तीन बजे से आपकी है। ऐसी बात नहीं है।
बाद ये निर्मला पासवान मेरा नाम देश बंधु शुक्ल, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ प्रवक्ता, स्वस्ति इंटरमीडिएट कॉलेज नाहरपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तहीन गुट, राष्ट्रीय शिक्षक कर्मचारी कल्याण महासंघ एवं स्वित पोषित विद्यालय महासभा के द्वारा मैं विधान परिषद के इस समर में प्रत्याशी घोषित किया गया हूं। मेरी प्राथमिकता पहले यह है क्योंकि मैं 2008 से वित्तहीन शिक्षकों का एक नेता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख शिक्षक 3000 रुपये से लेकर और 10000 रुपये के बीच में वेतन पाते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, और जैसे एडेड के विद्यालयों के अध्यापकों को पेंशन मिल रहा है और सारी सुविधाएं हैं, वैसे हमारे वित्तहीन जो शिक्षक हैं उनकी वही योग्यता है, वही नियुक्ति है, उनको भी मिलना चाहिए। और यदि आप सभी के सहयोग से हमारे सम्माननीय शिक्षक भाइयों और बहनों के सहयोग से अगर विधान परिषद में पहुंचा तो विधान परिषद से तब तक नहीं उठूंगा जब तक विधान परिषद के सदन में वित्तहीन शिक्षकों की सेवा निभावनी और मानदेय ही नहीं वेतन देने का प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब सदन से उठूंगा। लाल बहादुर यादव, प्रत्याशी, गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन खंड, माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा का एकमात्र वित्तहीन प्रत्याशी। चुनाव जीतने के बाद मेरी मांग है कि एजेंडा है कि वित्तहीन शिक्षकों के लिए 2001 में जो सेवानिवाली बनी है उसको अतिक्रमित करते हुए नई सेवानिवाली बनाई जाए और वित्तहीन शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाए। आज आप नामांकन करने आए हैं, जी चुनाव जीत जाने की क्या प्राथमिकता रहेगी, लोग शिक्षकों को क्या सुविधा देंगे? सबसे पहले हम वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय दिलाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में, और तथा शिक्षक जो इस समय सड़क पे कर दिया गया इस सरकार के द्वारा उनको विनियमित कराने का काम करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनते ही। सारे शिक्षकों का निजात केवल और केवल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से ही होगा। सबसे बड़ी बात है कि आज जितने नौजवान शिक्षक हैं 2004 के बाद वाले उनकी पेंशन बंद करके एनपीएस हो गया है। मैं सबसे ज्यादा चूंकि आज पूरे 17 जिले में हमारे साथ युवा शिक्षक मन और मस्तिष्क बना करके लड़ रहा, इसलिए मैंने यह तय कर लिया है कि मेरे जान की भी कीमत पर अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करनी होगी तो मैं लागू कराऊंगा, और उसके लिए
मैं संघर्ष कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने इस संदर्भ में वार्ता भी किया है और वित्तविहीन शिक्षकों की समस्याएं हमसे जो है मैं निवारण भी कराऊंगा और उनका समाधान भी कराऊंगा। देखिए आज तो वो लोग बीजेपी के हो गए जो सुबह मदरसा में जाकर भाजपा गाली देते हैं और शाम को जाकर के मंदिर में योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, तो ऐसे लोग बीजेपी के, मैं तो भाई बर्थ बीजेपी का हूँ। मेरे बाबा जब संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगा था तो मेरे पिताजी कक्षा 9 के छात्र थे, मेरे चाचा जी 8 के छात्र थे, तब वो लोग गांधी हत्याकांड में जेल गए थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप तो स्वयं विद्यार्थी रहे हैं, आप जानते हैं कि ये ABVP से मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर पहला उम्मीदवार हूँ जो जीता हूँ। उपाध्यक्ष महामंत्री तो ABVP जीती थी लेकिन अध्यक्ष नहीं जीती थी। आज तो वो लोग भाजपा ही बन रहे हैं जो भाजपा का झंडा फूंक दिए, जो योगी और मोदी का पुतला फूंक दिए, ऐसे लोग भी भाजपा ही बन रहे हैं। मैं भाजपा का था, भाजपा का हूँ, भाजपा का रहूंगा। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक 12 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दिए हैं, इसमें 2 पार्टी के हैं, एक कांग्रेस के, एक समाजवादी पार्टी के, बाकी अन्य निर्दलीय हैं। सर कितने लोग पर्चा वापस करना कितने तारीख तक डिसाइड किया गया जो है? नाम वापसी तो जो है 17 तारीख तक हो सकती है, मगर स्क्रूटनी जो है 13 तारीख की होगी, उसके बाद किसी को नाम वापसी 17 तारीख तक जो है कर सकते हैं।